जय हिंद। मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। क्लास 12th के स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा पशोपेश में हैं कि उनके बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं। खैर, मैं अभी आगे बताती हूँ आपको ये बड़ी खबर और बड़ी न्यूज़। मुझे मेरे इंटरनल सोर्सेज के साथ पता चली है अभी, क्योंकि सभी प्रिंसिपल ग्रुप्स में और CBSE में भी बहुत जगह ये बातचीत हो रही है कि क्या होना चाहिए। मैंने जो कुछ एक न्यूज़पेपर्स के अंदर ऑनलाइन देखा, आपने भी देखा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, DNA, इनके अंदर ये ऐसा लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और अगर होते हैं तो 15 जुलाई के बाद होंगे। तो एक दो लाइन आपके साथ कहती हूँ कि कहा सिकंदर ने कुछ मांगो मैं राजा हूँ एक महान, धन दौलत सब कुछ दे सकता कर सकता तेरा कल्याण। तो इस वक्त क्लास 12th के बच्चों का कल्याण किस चीज़ में होगा? देखिए, दो चीज़ हैं, एग्ज़ाम होंगे या नहीं इस पर मैं एग्जैक्टली आपको अभी बताती हूं, लेकिन सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि अगर एग्जाम्स नहीं होते हैं और बोर्ड यह डिसीजन देता है कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हायर एजुकेशन के जो इन प्रोफेशनल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं कैसे होंगे, इसके ऊपर क्या कोई नई नीति आ रही है, क्या AICTE, UGC जैसे बड़े संस्थानों ने कोई अपनी नीति निकाली है? तो अभी तक तो ऐसी कोई नीति सामने नहीं आई है। क्या वो अपने एंट्रेंस एग्जाम लेके, देखिए मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर विदाउट एग्जाम ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता है और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है हायर एजुकेशन को अपने इंडिविजुअल एंट्रेंस लेनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे वो लोग एंट्रेंस लेंगे, सीट्स तो लिमिटेड हैं उसके अंदर। अच्छा, दूसरा, अगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेस पर, कि शायद बोर्ड्स आपके साथ स्कूल्स को ये बोलें कि कुछ खास सब्जेक्ट्स में खास तरीके से आपसे प्रोफिशिएंसी ऑनलाइन टेस्ट लिया जाए, आप उसको सबमिट करेंगे, स्कूल उसको एवेल्युएट करेगा, राइट? अब कितना रोबस्ट तरीका है क्या, क्योंकि स्कूल केवल एक जगह शहरों में अर्बन एरिया में मौजूद नहीं है, रूरल एरिया में है, क्या उनके पास उतनी इंटरनेट की सुविधा है, उतनी बैंडविड्थ है, क्या एक टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर सारी चीज़ें अपलोड हो पाएंगी जिस समय के अंदर दिया गया है? तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ सोचने वाली हैं। मेरे हिसाब से रिटर्न एग्ज़ाम होने चाहिए, चाहे मेन सब्जेक्ट्स के रिटर्न एग्ज़ाम ले लिए जाएँ, राइट, उसको और शॉर्ट कर दिया जाए, फास्टर ले लिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम मिल गया है प्रेपरेशन करने का। अगर एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैंसिल करिए, तो फिर आगे फर्दर हायर एजुकेशन का क्या रास्ता होगा जाने का, उसको क्लैरिफाई कीजिए। तो देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी। तो अभी तक तो यही न्यूज़ है कि आपके एग्ज़ाम्स 1 जून को हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या होंगे, आपकी डेट शीट आ जाएगी और करीब 15 जुलाई के आसपास आपके एग्ज़ाम्स होंगे, राइट? मैं हमेशा कहती हूँ एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।